भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अधीक्षण अभियंता दक्षिणांचल को दिया गया ज्ञापन। किसानों का कहना है कि इस वर्ष में वर्षा कम होने के कारण एवं टेबल से सिंचाई हेतु बिजली प्राप्त न मिलने के कारण फसल सूख रही है। किसान हित में संपूर्ण जनपद फिरोजाबाद में सिंचाई हेतु टेबल के लिए विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से कराने की व्यवस्था की जाए। जसराना व ग्रामीण क्षेत्र में जले एवं जर्जर केबल को हटाकर नई केबल डलाई जाए। समस्त फिटरों पर तैनात लाइनमैनों व अवर अभियंताओं द्वारा उपभोक्ताओं से की जा रही अवैध वसूली रोकी जाए। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने रखी अपनी समस्याएं कस्बा फारिया अवागढ़ मार्ग पर विद्युत पोल लगे हुए थे, लेकिन हादसे के कारण गिरे हुए हैं, उनको बदलवा कर विद्युत केबल के माध्यम से सप्लाई चालू कराई जाए। तहसील जसराना क्षेत्र के पाड़म फिटर में विद्युत सप्लाई की मशीनों का काफी समय से खराब पड़ी हुई है, तत्काल बदल कर विद्युत सप्लाई चालू कराई जाए। विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे के लिए व सिंचाई हेतु टेबल के लिए 14 घंटे नियमित रूप से कराई जाए। भारतीय किसान यूनियन सावित्री के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह टाइगर के नेतृत्व में इस समस्याओं का निस्तारण कराने को कहा। राष्ट्रीय मुख्य महासचिव विजेंद्र सिंह का कहना है, अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो आने वाले समय में हम सभी मिलकर जन आंदोलन करेंगे। लोग आपके पास आए, क्या उनकी समस्या थी, किस तरह का आश्वासन दिया गया उनको? आज किसान यूनियन के लोग आए, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। उनकी डिमांड थी कि दिन में हमें जो है रोस्टर के हिसाब से 10 घंटे लगातार बिजली दी जाए, और कुछ बिजली घर के नाम बताया जहाँ कुछ कमियाँ के कारण बिजली कट के मिल रही है। तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि सूखे के देखते हुए 10 घंटे भारतीय किसानों के विजेंद्र टाइगर है, राष्ट्रीय पूर्व महासचिव। आज अधिकारियों से मिले विद्युत विभाग, किसानों की समस्या को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो विद्युत रोस्टर के हिसाब से जो टेबल लाइट चल रही है वो रोस्टर के हिसाब 10 घंटा है, पर किसानों को 1 घंटा 2 घंटा मिल रही है। तो कुदरती भी मार दे रही किसानों को कि जिला फिरोजाबाद का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश नहीं हुई है, कहीं कहीं हुई है, सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद के अंदर सूखा है। तो एक तो कुदरत भी मार दे रही है, प्लस विद्युत विभाग मार दे रहा है। तो धान और जो बाजरा की जो खेती है उसमें 50% हानि आई है। तो आज मैंने सांसद इंद्र कहा है विद्युत विभाग वालों से, यदि रोस्टर के हिसाब से किसानों को विद्युत नहीं मिली तो आने वाले दिनों सभी संगठन, चाहे वो लोक शक्ति हो, चाहे टिकैत ग्रुप हो, चाहे सारे भारतीय किसान यूनियन, ये गुट मनाएंगे जिला फिरोजाबाद में, उग्र आंदोलन छेड़ेंगे, चाहे वो रेल रोकने पड़े किसानों को, चाहे कुछ भी करना पड़े। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा कहना है कि आज किसान मरता जा रहा है, पहली बात तो आप बत्ती दे किसानों को, दूसरे के साथ तो बत्ती दिलवाएं, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होगा।